हेलो एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ए बी और सी तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:3 के रेशो में। बैलेंस शीट दी हुई है हमें 2020 की। लाइबिलिटी साइड असेट साइड एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 को बी रिटायर हुआ फर्म से। फर्म के गुडविल की वैल्यू है 14,000। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टॉक लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, मतलब इंक्रीज हुई है। प्लांट और मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर की वैल्यू रिड्यूस हुई है। संडे डेटर्स आर कंसिडर टू बी गुड। इसका मतलब जितने भी डेटर्स थे हमारे 14,000 के, वो हमारे सारे रिकवर हो गए हैं। सो ऑल डेटर्स आर गुड, तो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि देर इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो दिस इज़ द लाइबिलिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, सो दिस विल बी शोन ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, दिस लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट बट द सेम इज़ टू बी रिकॉर्डेड नाउ, राइट? सो वी हैव टू शो दिस लाइबिलिटी इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इन द बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अमाउंट पेबल टू बी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी बी का बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर करना है हमें लोन अकाउंट में। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 37। 37 में सबसे पहले एडजस्टमेंट दी हुई है हमें ए पार्ट, जिसमें गुडविल दिया हुआ है, राइट? तो टोटल गुडविल जो है दैट इज 14,000। इसका मतलब कि इसमें तीनों पार्टनर्स की गुडविल है, राइट? और रिटायरिंग पार्टनर कौन है? ए, बी और सी में से रिटायरिंग पार्टनर इज बी। सो हमें सबसे पहले बी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। सो बी शेयर ऑफ गुडविल, राइट? जो पार्टनर रिटायर है उसी की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 14,000 मल्टीप्लाई बाय बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट? और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुआ है इसमें? है 4:3:3। तो बी का रेशो क्या हो गया? 3/4+3 7+3 10। तो इस तरह से हम बी का शेयर निकाल लेंगे। 14,000 × 4,200। सो 4,200 इज़ द बी शेयर ऑफ गुडविल। अब इस गुडविल को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? तो ये कैसे जाएगा? इसकी जर्नल एंट्री जो पास होगी, दैट इज़ जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ए और सी, तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री ऐसे होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट? ये अभी हम फर्स्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं गुडविल। तो अब हमने बी का शेयर निकाल लिया है। सो दिस इज 4,200 एंड दिस 4,200 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गेनिंग रेशो, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो है 4:3:3। तो यहाँ पर ए और सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3 के रेशो में, राइट? तो 4+3 7 7 6 = 42 एंड 6 × 4 दैट इज 6 4 = 2,400। आई होप आप लोग को समझ आया हो। सो 4+3 7 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 = 42 एंड 6 3 = 18। सो 1,800, राइट? सो ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई। ये आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ जाती है जिसमें स्टॉक और उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। तो अब हम आ जाते हैं अपने अकाउंट पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। तो हमें ये पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और क्रेडिट साइड में असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, राइट? सो अब यहाँ पर असेट की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो ये कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक, राइट? और कितनी अप्रिशिएट हो रही है? 10% से। तो स्टॉक हो जाएगा आपका 3,600। 10% निकालेंगे जो बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है। एंड देन नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में 10% इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब ये भी दोनों असेट हैं और असेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो कहाँ आती है? डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी। वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है? 10%। 10 पीछे से कम हो जाएगा, सो 2,800। एंड देन 2 कंप्यूटर प्रिंटर, राइट? सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है, डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड, मतलब डेटर मतलब क्या होता है? जिससे हमें किसी से पैसे लेने होते हैं। तो हमें जिससे भी पैसे लेने हैं उसने हमें सारे पैसे दे दिए हैं, और प्रोविजन इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि इन केस अगर हमें डेटर से पैसे नहीं मिले सो हम उसे हमें ज़्यादा लॉस ना हो, राइट? तो अगर क्वेश्चन में कहा है कि डेटर्स आर गुड, इसका मतलब हमारी जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है ना? लाइबिलिटी तो बढ़ नहीं रही है, लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि अब हमें प्रोविजन की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब जो प्रोविजन हमने क्रिएट किया हुआ है बैलेंस शीट में उसको हम कम कर देंगे। तो यहाँ असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जो प्रोविजन बैलेंस शीट में दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उस लाइबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। और जितना अमाउंट लिया लिखा है 2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या रहा है कि एक लाइबिलिटी है 2,000 की, अब वो हम रिकॉर्ड ही नहीं की। इसका मतलब कि वो लाइबिलिटी है, तो हम लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 2,000, राइट? और एडजस्टमेंट्स इसमें दी नहीं हुई। बी का वो लोन अकाउंट, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है।
सो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, राइट। अब टोटल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ का आ जाएगा 7600, यहाँ भी टोटल 7600, और ये 224, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, सो यहाँ का टोटल जाएगा 5600, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज़ 2000, और जब डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसे कहा जाता है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हो या लॉस हो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होता है, रिटायरमेंट के पहले ये बनता है, राइट। सो ए बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज़ 4:3:3। अब आप 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, पहले तो 4, 3, 3, 10, एक जीरो कम हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ हो जाएगा 800, 600 एंड देन 600। ये आ गया आपका तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो बाय बैलेंस बी डी कितना दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में, 32000 है ए का कैपिटल, बी का कैपिटल है 24000 एंड सी का कैपिटल है 20000, राइट। नेक्स्ट चीज़ हम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को एंट्री कर देंगे, सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो अभी हमने निकाला, ए का आया है 800, क्रॉस रिलेशनशिप अगर डेबिट साइड आया तो क्रेडिट साइड हम डालेंगे, राइट, ये याद रखना है। सो 600 और यहाँ पर 600, तो ये भी हो गया। अब आते हैं गुडविल पे, जो अभी हमने वर्किंग की थी यहाँ पर, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जर्नल एंट्री के बेसिस पर गुडविल जाएगी। अब देखिए ए और बी का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो हम 2400 और 1800 से डेबिट करेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, बी का, राइट। सो क्योंकि ए के अकाउंट में अगर 2400 हम यहाँ लिखते हैं, 2400 ए और बी में है, सॉरी सी में है 1800, है ना, लेकिन नाम ए और सी का नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, बी का, तो हम यहाँ लिखेंगे 2B's गुडविल, राइट। इस तरह से हम एंट्री पास करेंगे। अब डेबिट वाली हो गई, अब क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में है 4200 और किसके अकाउंट में है, बी में, तो पहले बी के अकाउंट में 4200 डाल देते हैं, लेकिन नाम किसका आएगा, ए और सी का, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ए एंड सीज कैपिटल, राइट। इस तरह से आपको ये गुडविल की एंट्री यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में, क्या दिया हुआ है हमें, रिजर्व। रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों पार्टनर्स में, तो पहले हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व मैंने पहले भी बताया कि रिजर्व एक गुल्लक की तरह होता है जिसको इन तीनों पार्टनर्स ने अपने टाइम में सेव करके रखा होगा, तो जब पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो वो गुल्लक फोड़ी जाएगी और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सो यहाँ आ जाएगा 8000, 6000 एंड 6000, राइट। रिजर्व हमें दिया हुआ है ना 20000 का, तो ये इस तरह से हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट और कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गई, सो नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। आई होप आप लोग को ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ हो। सो लेट्स डू द टोटल, 32 + 840, 40800, राइट। ऑब्वियसली इधर का बैलेंस कम है तो यहीं का बैलेंस दोनों साइड आएगा, है ना। अब यहाँ पर 24 + 4, 8, 28 एंड + 3, 34800। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। इस तरह से हम इसका टोटल कर लेंगे, आई होप आप लोग को विजिबल हो, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 26600, राइट। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं 34800, 26600। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, इसमें से इसको माइनस करके उसको तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, तो ए का जब बैलेंस माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 38400, और सी का जब माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 24800। बट जो बी की बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हमें बैलेंस में नहीं दिखाना, क्योंकि हमें जो लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई है ना, आप पढ़ेंगे एफ, उसमें लिखा हुआ है कि बी के लोन अकाउंट में हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे 2B's लोन अकाउंट, और इसके बैलेंसिंग फिगर को इसके नाम से दिखाया जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द रिटायरिंग पार्टनर। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट आ जाते हैं बैलेंस शीट पर, सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में कैपिटल जो अभी हमने निकाला ए और सी का, और बी के जो है वो हम बी का कैपिटल हम लोन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, है ना। सी अभी हमने यहाँ निकाला ना 38400, और ये दोनों दिखाएंगे और बी का लोन अकाउंट के नाम से। सो लेट्स मेक इट, ए का बैलेंसिंग फिगर आई है 38400 और सी का कैपिटल आया है 24800, दोनों को ऐड कर लेंगे, और बी का जो लोन अकाउंट आया है दैट इज़ 34800। हमें इस तरह से ही शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, तीनों को प्लस करना नहीं होगा, राइट, वो फिर रॉन्ग स्टेटमेंट दिखेगी। सो लेट्स डू इट, 63200, राइट। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर्स दैट इज़ 7000, राइट,
7,000. Next is bills payable, and that is 3,000. एंड लास्ट वन जो हमें एडजस्टमेंट में दिया, देखिए कभी भी एडजस्टमेंट में कोई भी चीज़ दी होती है तो उसकी दो जगह एंट्री पास होती है. तो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें दी हुई है जो हमारी लाइबिलिटी है, तो हमने फर्स्ट उसकी एंट्री पास की रिवैल्यूएशन में, राइट. और दूसरी जगह कहाँ आएगा वो लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में. सो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज 2,000. ये हो गया आपका बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड. अब असेट साइड आ जाते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है तो लैंड एंड बिल्डिंग. सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है. सो 36,000 प्लस 10% इंक्रीज हो रही है 3,600 जो हमने रिवैल्यूएशन में लिखा था. टोटल करेंगे तो 39,600. नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी ना 10%, सो 28,000 माइनस 2,800. ये हमने बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन में लिखा है ना. सो यहाँ पर वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है तो माइनस करेंगे, इंक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे. तो यहाँ जाएगा 25,200. नेक्स्ट दिया हुआ है हमें कंप्यूटर प्रिंटर. प्रिंटर की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही थी तो हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखा था, तो इसको भी हम 8,000 में से माइनस कर देंगे. 800 रिड्यूस हो रही है. ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो हमने वैल्यूज देखे ना, इन्हीं को हम ऐड और लेस कर रहे हैं. सो नेक्स्ट इज यहाँ पर आ जाएगा आपका 7,200. स्टॉक इज इंक्रीजिंग. सो स्टॉक की वैल्यू दी हुई है हमें 20,000 प्लस 2,000 दैट इज 22,000. नेक्स्ट है डेटर्स और ऑल गुड. तो जितने डेटर्स हैं वो हम लिखेंगे 14,000. प्रोविजन हमने हटा दिया है. लास्ट वन इज बैंक दैट इज 2,000. सो ऑल थिंग्स आर डन रिलेटेड टू बैलेंस शीट. सो नाउ वी विल क्लोज द बैलेंस शीट. नाउ डू द लेट्स डू द टोटल 2, 3, 7, 14, 17, 9, 1 कैरी. सो यहाँ 1, 7, 3, 10. सो 1,10,000. सो यहाँ पर लिखते हैं 1,10,000. यहाँ का भी टोटल कर लेते हैं. आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कर लिया. यहाँ पर भी 1,10,000 ही आ रहा है. सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमने गुडविल की वर्किंग की और इस एंट्री के बेस पर हमने यहाँ एंट्रीज पास की, देन पार्टनर्स के फ्रेंड अकाउंट एंड लास्टली बैलेंस शीट. सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन. सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. बैलेंस शीट दी हुई है एक्स वाई और जेड की 2020 का. दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2. लाइबिलिटी साइड यहाँ पर एक चीज नहीं है, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. अब एक्स और वाई का पार्टनर्स लोन भी है तो लोन हमें पता है कि लाइबिलिटी होती है. सो वी विल शो इट इन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. नेक्स्ट असेट साइड्स में सारी चीजें दी हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे तीनों पार्टनर्स में बिकॉज एक पार्टनर जा रहा है. सो क्रॉस रिलेशनशिप से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. एडजस्टमेंट्स बहुत ईजी है. स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज हो रहा है 2,600. यहाँ पर 2 लिखा है दैट मीन्स कि 2,000 से इंक्रीज हो रहा है. 4,000 पहले था, 6,000 अभी हुआ है, दैट मीन्स 2,000 से इंक्रीज हो रहा है. फिक्स एसेट अप्रिशिएट हुआ है, रिवैल्यूएशन में आएगा. फर्म की गुडविल दी हुई है 80,000. सो हमें रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, राइट. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो रिटायरिंग पार्टनर है इसमें वाई, राइट. और वाई का जो रेशियो है दैट इज 3:3:2. तो इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो ये है दैट इज 3:8. 8 10 जा 80 और 10 3 जा 30. तो ये आ गया जो 30,000 है दैट इज वाईज शेयर ऑफ गुडविल. यहाँ तक तो हम निकाल लेंगे. अब इस वाई के शेयर ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. एक्स और वाई का अकाउंट देखिए, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी. यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, जर्नल एंट्री कैसे पास होगी. हाँ हाँ, आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है. सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू किसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो पार्टनर जा रहा है, एंड दैट इज टू वाईज कैपिटल अकाउंट. तो वाई की गुडविल कितनी आई है हमारी 30,000. तो वाई की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और जेड के रेशो में, और एक्स और जेड का रेशो क्या है 3:2. सो 3 + 2 = 5, 5 + 6 = 30. डिवाइड करेंगे इन दोनों को प्लस करके, 3 + 2 = 5, 6 = 30 एंड 6 × 3 = 18,000 एंड 6 × 2 = 12,000. तो ये हो गई आपकी गुडविल की जर्नल एंट्री. अब इसी एंट्री के बेस पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री पास करेंगे. सो देखिए एक्स के कैपिटल अकाउंट में 18,000 है डेबिट साइड में, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 18,000.
जेड के कैपिटल अकाउंट में है 12,000 डेबिट साइड, राइट। अब नाम किसका आएगा, जिसके भी अमाउंट होता है उसका नाम नहीं आता, दूसरे पार्टनर का नाम होता है। तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई के नाम से एक्स और जेड में 18,000 और 12,000 इन दोनों के अकाउंट में आए। नेक्स्ट वाई के अकाउंट में 30,000 क्रेडिट करने हैं, तो क्रेडिट साइड में वाई के अकाउंट में 30,000 हमने क्रेडिट कर दिए, लेकिन नाम किसका आएगा, एक्स और जेड का। सो बाय एक्स एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से गुडविल की एंट्री पास करनी है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट रिजर्व हमें दिया हुआ है, सो हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी मैंने बताया था रिजर्व क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में। सो रिजर्व हमें दिया हुआ है 80,000, 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:3:2 के रेशो में। सो यहाँ जाएगा आपका 30,000, 30,000 एंड 20,000। नेक्स्ट पार्टनर्स लोन, लोन लाइबिलिटी होती है तो हम इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, राइट। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बैलेंस शीट में एक चीज़ और दी हुई है, असेट साइड में देखिए आप, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट। अब क्रॉस रिलेशनशिप से अगर वो असेट साइड दी हुई है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और कितना दिया हुआ है 16,000, राइट। तो 16,000 को 3:3:2 के रेशियो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 2 16, एंड देन इसका रेशियो है 3, इसका रेशियो है 3 और इसका रेशियो है 2, सो 2 3 से यहाँ पर आ जाएगा 6,000 और 2 2 4,000, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 का, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम बैलेंस शीट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नीचे दिया हुआ है, तो सेम उसको भी क्रॉस रिलेशनशिप से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट है 4,000 ना, और तीनों पार्टनर का टोटल है 8, तो 8 5 40 500 आ गया। अब 5 3 15 15 and 1,000। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट, राइट, ऑन द असेट साइड। सो क्रॉस रिलेशनशिप से अगर असेट साइड दिया हुआ है तो आप इससे याद रख सकते हैं कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन द डेबिट साइड, राइट। नेक्स्ट और कुछ हमें दिया नहीं हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, सो वी विल क्लोज दिस अकाउंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। सो नाउ क्लोज दिस अकाउंट, राइट। सो 1,00,000 प्लस 6,000 प्लस 36, तो यहाँ जाएगा आपका 1,36,000 इज द टोटल। 1,36,000 एक्स का कैपिटल अकाउंट का टोटल हो गया। अब इसमें से इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,10,500। आप डिडक्ट करके देख सकते हैं, मैंने रफ में कर लिया है। सो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज़ द बैलेंस, दिस इज़ ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस, राइट। एंड नेक्स्ट जेड का पहले हम निकालते हैं, बिकॉज वाई इज़ द रिटायरिंग पार्टनर, सो इसका हम क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई तो अब जा रहा है। तो वाई की जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज़ टू बी शोन विद द नेम ऑफ टू वाइज लोन अकाउंट। थोड़ा क्लियर नहीं है बट मैं ऑडिबल होना चाहिए। सो टू वाइज लोन अकाउंट के नाम से हम वाई का बैलेंसिंग फिगर दिखाएंगे। सो यहाँ का टोटल है आपका 1,26,000 माइनस करेंगे 7,500, राइट। सो 7,500 डिडक्ट करने पर जो बैलेंस फिगर आ रही है दैट इज़ 1,18,500, और ये आपका आ गया वाइज लोन अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट आ जाते हैं जेड पे, सो यहाँ का टोटल आएगा आपका 74,000 माइनस 12 + 4 16 + 1 17,000 लेस करेंगे इसमें से, तो यहाँ आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस आएगी दैट इज़ 57,000, राइट। सो आई होप आप लोग कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लियर हुआ हो। नाउ लेट्स मेक इट द लास्ट अकाउंट दैट इज़ बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिख लेते हैं, जो अभी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है एक्स और जेड की। वाई का तो बैलेंसिंग फिगर आएगा नहीं बिकॉज वाई इज रिटायरिंग पार्टनर, तो वाई का जो हम बैलेंसिंग फिगर दिखाएंगे हम वाइज लोन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, राइट। सो अभी हमने निकाला एक्स का कैपिटल आया है 1,10,500, जेड का कैपिटल आया है 57,000, राइट। दोनों को ऐड कर लेंगे एंड दैट इज 1,67,500 एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ वाई अकाउंट इज 1,18,500, राइट। सो नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स गिवन है हमें बैलेंस शीट में दैट इज़ 2,50,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पार्टनर्स लोन अकाउंट जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लोन है लाइबिलिटी है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बिकम ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड दैट इज़ एक्स वाई, राइट। अब देखिए यहाँ पर
एक्स और वाई का पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया हुआ है, और अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमने वाई का लोन अकाउंट पीछे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकाला। तो आप इस पार्टनर्स के लोन अकाउंट को पहले एक्स का कितना दिया हुआ है अमाउंट 50,000 राइट, और वाई का गिवन है हमें 40,000। और वाई का जो लोन अकाउंट है वो तो अब ये भी आ रहा है, तो वाई के लोन को दो नाम से क्यों दिखाएं, है ना। तो इस 118,500 को आप यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, और प्लस करके हम एक ही वाई, दोनों वाई ही है, एक ही नाम है ना, तो जब वाई एक ही नाम है और उसी नाम से दो, यहाँ पर भी लोन है उसका, यहाँ पर भी 40,000 का लोन है, तो दोनों को एक ही जगह दिखा देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको ये समझाने के लिए आपको लिखा था, तो यहाँ पर हम प्लस करके लिख देंगे 158,500, दिस इज़ द टोटल ऑफ वाइज लोन, और एक्स का लोन तो है ही 50,000 का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बैलेंस शीट के असेट साइड में। कैश 50,000, बिल रिसीवेबल शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स अब हमें देखे दिए हुए हैं 80,000, बट जो हमें नीचे दिया हुआ है उसमें कहा है कि डेटर्स जो है प्रोविजन जो हमने क्रिएट किया वो 6,000 से इंक्रीज़ हो गया, 2,000 से इंक्रीज़ हुआ था ना, तो 2,000 से इंक्रीज़ हुआ था मतलब 4,000 पहले था और 2,000 से इंक्रीज़ हो गया, तो टोटल कितना हो गया 6,000। तो यहाँ पर हम जो प्रोविज़न मानेंगे वो होगा हमारा 6,000, और अब उसको हम लेस करके यहाँ बैलेंस शीट में दिखाएंगे 74,000। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो। यहाँ पर लिख देते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट वन इज़ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, सो डिक्रीज़ हुई है तो माइनस कर देंगे 1,24,000 माइनस, कितनी डिक्रीज़ हुई थी 12,000, रिवैल्यूएशन में हमने लिखा था, तो यहाँ जाएगा आपका 1,12,000। एंड लास्ट वन इज़ फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट इंक्रीज हुआ था रिवैल्यूएशन में हमने प्लस किया था, सो 3,00,000 प्लस 30,000 से इंक्रीज़ हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे हम 3,30,000। सो ऑल थिंग्स आर डन रिलेटेड टू बैलेंस शीट, नाउ क्लोज द बैलेंस शीट, लेट्स डू द टोटल। मैंने वैसे रफ में चेक कर लिया, आप चेक कर लेना एक बार, बैलेंस शीट का टोटल 6,26,000, यहाँ पर भी 6,26,000। मेन आपकी एंट्रीज होती हैं, आपको हर एंट्री का पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पर पास होगी, बैलेंस शीट मैच हो ही जाती है, राइट। सो दिस इज़ द बैलेंस शीट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हमने गुडविल की वर्किंग शो की, एंड लास्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट अकाउंट, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, दिस इज़ द सेकंड अकाउंट, एंड लास्ट अकाउंट इज़ बैलेंस शीट। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।